हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम इस किट बॉक्स की मदद से इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं और अगर आप इंडिविजुअल कंपोनेंट लेकर इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, मगर इस किट बॉक्स की मदद से अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आप इजीली इन कंपोनेंट को असेंबल कर पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने खुद ही इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इस किट बॉक्स की मदद से इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्लाईबोर्ड लेना है और फिर इसके बाद किट बॉक्स को ओपन करना है और इसमें से सभी कंपोनेंट को आपको बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको बॉक्स से एक जम्पर वायर्स मिलेंगे, तो इन्हें आपको LCD और Arduino के बीच इस तरह से हेडर पिन में कनेक्ट कर देना है। और फिर इसके बाद आपको 5 जम्पर वायर लेने हैं, तो ये रिले की VCC और ग्राउंड 1, 2, 3 में कनेक्ट करके और फिर ये Arduino के पास इस तरह से 5 हेडर पिन होंगी, इनमें कनेक्ट कर देना है। और फिर इसके बाद रिले के पास जो 3 हेडर पिन है और फिर Arduino के पास जो 3 हेडर पिन है इन्हें एक साथ कनेक्ट कर देंगे, बट इनमें आपको डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखना होगा किस डायरेक्शन में किसको कनेक्ट करना है। और फिर इसके बाद इसी तरह से इस रिले में 5 जम्पर वायर कनेक्ट करके यहाँ Arduino के पास 5 हेडर पिन है इनमें कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये 3rd रिले है, इसमें हम सबसे पहले VCC और ग्राउंड जम्पर वायर कनेक्ट करेंगे और फिर LCD के पास VCC और ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद ये फ्लेम सेंसर है, इसमें 3 जम्पर वायर्स को कनेक्ट कर लिया है, VCC ग्राउंड और राउटर पिन। तो इसके VCC और ग्राउंड को LCD के पास हम कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसकी आउटपुट पिन को हम यह रिले की इनपुट 1 पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद 3 जम्पर वायर्स को इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है कि एक साइड हम 3 जम्पर वायर्स को लगाएंगे, एक दूसरे से हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं और इन्हें हमने एक साइड एक ही जम्पर वायर से जॉइंट कर दिया है और दूसरी साइड हमने 3 जम्पर वायर्स को ही कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे, तो एक साइड हमें एक जम्पर वायर मिल गया और दूसरी साइड हमें 3 जम्पर वायर्स मिल गए। अब इसके बाद हम जो एक जम्पर वायर है उसे भी छोड़ देंगे और 3 जम्पर वायर्स को रिले की 2, 3, 4 पिन में कनेक्ट कर देंगे और जो एक जम्पर वायर है उसे हम LCD के पास नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह से ये पूरे वायर्स को हम पिलर्स पे कनेक्ट कर लेंगे बाद में। अभी हम ये स्विच बोर्ड के कनेक्शन करते हैं, तो ये भी एक सीरीज में है, उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में सीरीज में कनेक्ट है। अब इसके बाद हम जो फर्स्ट रिले है उसमें 5 ये DC कनेक्टर मिलेंगे, ये कनेक्टर में हम 5 कनेक्टर्स हैं तो इनमें हम इसी तरह से सेम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद रिले 2 और 3 में कनेक्शन करेंगे आउटपुट पिन में, तो हम ब्लैक वायर लेते हैं और इसके कॉमन पिन में इस तरह से इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम 3 जम्पर वायर लेंगे मेल टू मेल और सबसे पहले हम सेकेंड रिले के कॉमन पिन में यानी इनपुट 1 और 2 और 3 रिले के आउटपुट में कॉमन पिन में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। और फिर इसके बाद इनपुट 1 को हम ये 3rd रिले की 3rd नंबर पिन में नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट करेंगे, इनपुट 2, 3 और 4 यानी रिले 2, 3, 4 के
नॉर्मली क्लोज्ड पिन में आउटपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम वायर लेंगे और जो हमने होल्डर लगाए हैं इनमें हम इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम तीनों होल्डर्स के येलो वायर को हम तीनों रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं और रेड वायर को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। और फिर इसके बाद हम एक मेन लीड लेते हैं, इसमें प्लग कनेक्ट है और इसके रेड वायर को हम इस रेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इसके ब्लैक वायर को हम इसकी फर्स्ट रिले से नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमने जो थ्री वायर्स को ज्वाइन किया था उन्हें हम इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद हम फ्लेम सेंसर को एक प्लेयर से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद 5 वोल्ट 2 एम्पियर के एडाप्टर को हम एलसीडी के पास जैक से कनेक्ट करके पावर में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद एसी प्लग को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी एलसीडी पर लिख के आ रहा है लाइन टू लाइन एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर और अभी नो फॉल्ट दिखा रहा है, सारी नो फॉल्ट कंडीशन है। ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 8 किलोमीटर तीनों के ये स्विचेस कनेक्ट हैं। अब जैसे ही हम 2 किलोमीटर रेड लाइन में फॉल्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ एलसीडी पर 2 किलोमीटर दिखा रहा है, जैसे ही हटाते हैं तो फॉल्ट नो फॉल्ट हो जाता है। अब जैसे ही 6 किलोमीटर प्रेस किया तो एलसीडी पर येलो लाइन में 6 किलोमीटर और ये बल्ब भी ऑफ हो गया है येलो लाइन का, तो अब ये ऑन हो गया है क्योंकि हमने उस स्विच को हटा दिया है। तो अब जैसे ही 8 किलोमीटर ब्लू लाइन में हमने फॉल्ट क्रिएट किया तो यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर ब्लू लाइन में फॉल्ट शो हो रहा है और ये थर्ड वाला बल्ब अब ऑन हो गया है जैसे हमने स्विच से हाथ हटाया। अब 4 किलोमीटर येलो लाइन में किया है तो 4 किलोमीटर यहाँ येलो लाइन में शो हो रहा है। और अगर हम फ्लेम सेंसर के पास फायर करते हैं तो हमारी सारी लाइट ऑफ हो जाती है और अगर हम किसी भी लाइन को कट करते हैं तो उस लाइन की लाइट ऑफ हो जाती है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।